सो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू अपलोड इन यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, इसका मतलब कि आप एक नए क्रिएटर हो, एक आप नए यूट्यूबर हो। अगर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे यूट्यूब पे इतनी ज्यादा मार हो गई है कि हर एक पर्सन या तो ब्लॉग बनाता है यूट्यूब पे, वीडियो टैग के या फिर टैग में या तो ब्लॉग में इतनी ज्यादा मार हो गई है कि सब YouTube पे अपना चैनल खोल खोल के वीडियोस बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बताऊंगा आपको ना, आज मैं आपको वो बताऊंगा कि आप YouTube पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी एक नए क्रिएटर हैं और आप भी सोचते हैं कि मैंने भी YouTube पे चैनल क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं कैसे, वीडियो अपलोड कैसे करूं, तो फ्रेंड्स जो आज मैं आपको बताऊंगा ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो अपलोड कैसे करें। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे 5 एप्लीकेशन की जरूरत है जिससे कि आप अपने यूट्यूब करियर को या यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी कैसे है। तो आप मेरी वीडियो आज को पूरी देखो जिससे कि आपको पता चल पाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को आज बीच में ही छोड़ के चले जाओगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि हम वीडियो को कैसे अपलोड करें, और उसमें एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपकी वीडियो ना 100% है कि वायरल होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं, हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल के लिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको और भी न्यू टेक्निकल बातें आपको पता चलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मिस मत करना। सभी लोग बताते हैं कि यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे करें, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको पहली वीडियो वायरल होने के चांसेस 80% है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी टोटल वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप जान पाएंगे कि कैसे हम अपनी पहली वीडियो को ही वायरल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी टोटल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मेरे साइड स्क्रीन पे, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, ये ट्रिक आज आप गांठ बांधकर सुन लो, और आपने अगर अभी भी इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, आपको एक चैनल क्रिएट करना है। किस कैटेगरी का चैनल क्रिएट करना है, सबके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई हम किस चैनल की कैटेगरी क्रिएट करें जिससे कि हमारे चैनल पे व्यूज आए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा दूं कि मेरा जो चैनल है ना, मेरा चैनल मैंने कुछ महीने पहले, महीने तो फ्रेंड्स ज्यादा कह दिया, मैंने एक महीने पहले मैंने अपना ये चैनल क्रिएट किया था, और इस चैनल पे 24 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इस चैनल पे 24 सब्सक्राइबर्स, और मेरे जो व्यूज आ रहे फ्रेंड्स ना, रोज के जो मेरे व्यूज आ रहे हैं, देख पा रहे फ्रेंड्स, काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं मेरे, कुछ नहीं था फ्रेंड्स, इस पे मेरे दिन के 4,000-5,000 व्यूज आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किस तरीके से, देख पा रहे फ्रेंड्स, कमेंट भी काफी ज्यादा आता है फ्रेंड्स, आपको किस तरीके से आपको करना है, आपको कौन सा चैनल बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको एक चैनल क्रिएट करना है जिस चैनल का नाम है उस चैनल का नाम बता दो। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको कोई रील्स वगैरह का चैनल क्रिएट करना है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम रील्स के नाम से, या तो फ्रेंड्स आप जैसे टिकटॉक रील्स के नाम से, या एमएस टकाटक रील्स के नाम से, ऐसा कोई चैनल का नाम क्रिएट कीजिए। फिर क्या करना है, आपको वहां से वीडियो उठानी है, या फिर इंस्टाग्राम से उठाइए, या एमएस टकाटक से उठाइए, चाहे आप जो भी आपको आप देखते हो प्रेजेंट टाइम पे, वहां से वीडियो उठा के आपको उसके अंदर अपलोड करनी है। अपलोड करने का तरीका टैग बताऊंगा तो ही आपका वीडियो वायरल होगा। तो फ्रेंड्स, फिर बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि आपको क्या करना, जैसे ही आप अपने YouTube पे जाओगे, आपको सबसे पहले अपना देख लेना कि YouTube अपडेट है कि नहीं है। तो आपको अपने YouTube में जाना है। YouTube में जाने के बाद फ्रेंड्स देख पाएंगे कि प्लस का जो आइकॉन दिखता है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, कई जो नए यूट्यूबर होते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपलोड आप वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। अपलोड आप वीडियो पे क्लिक नहीं करना है आपको, आपको करना क्रिएट अ शॉर्ट्स, क्योंकि हम शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं। अगर हम अपलोड वीडियो पे क्लिक कर दोगे तो वीडियो वो अपलोडिंग में, जैसे कि आम जो यूट्यूबर अपलोड करते हैं, उस कैटेगरी में आती है, फिर उस पर व्यूज नहीं आता और वीडियो वायरल होने के चांसेस 0% होता है। तो आपको क्या करना, क्रिएट शॉर्ट्स में जाएंगे फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे यहाँ पे साइड में एक आइकॉन दिख रहा है। आइकॉन में जाने के बाद फ्रेंड्स देख पाएंगे जो भी मैंने इंस्टाग्राम से जो रील्स डाउनलोड किया था, उसमें से एक रील्स को उठा के और इसको मैं नेक्स्ट करके इसको मैं डाल देता हूं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं दिखा दूं फ्रेंड्स, इसमें जो थोड़ा बहुत फिल्टर वगैरह लगाना चाहो आप देख पाएंगे, जैसे फ्रेंड्स तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप फिल्टर लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देख पाओगे यहाँ पे अलग से दिख रहा है कि इंस्टाग्राम रील्स ये लिखा हुआ आ गया। और फ्रेंड्स, अगर आप क्रिएटर शॉर्ट्स ना करके अपलोड वीडियो करते तो उसमें लिखा हुआ नहीं आता। तो यहाँ पे टाइटल टैग यहाँ पे कुछ नहीं देना आपको, आपको सीधा अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना, तो आप देख पाओगे मेरी वीडियो अपलोड होनी चालू हो गई है। वो कुछ देर में आपकी अपलोड होके आपके यहाँ पे जो आपको YT स्टूडियो नाम का जो ऐप है
उसमें आपका सजेस्ट करना चालू कर देगा। रुकिए छोटो एक मिनट, स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप देख पाएंगे, फ्रेंड्स मैंने जैसे ही यहाँ पे अपलोड किया तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे नीचे शॉर्ट्स का निशान बना हुआ आ रहा है, बट लेकिन आप वही अगर गलती वहां कर बैठते ना, अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देते तो आपका शॉर्ट्स का निशान जो टैग जो शॉर्ट्स का जो साइन बना हुआ था वो नहीं आता, जिससे वीडियो वायरल होने के चांसेस मात्र बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स देख पाएंगे जैसे ही मैंने अपलोड किया ये शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो गया, और इस पर क्लिक करने के बाद पेंसिल के आइकॉन पर जाना और सारा जादू जो करना है ना इसी में ही जादू करना है, जो भी जादू करना है इसी पे करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसको काटना है, और आपको जो भी गाना ये चल रहा है इस वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम रील्स है तो हम इसको इंस्टाग्राम रील्स के नाम से ही टाइटल दे देंगे, ठीक है। और कुछ एक आध स्टिकर्स लगा देंगे जैसे फायर का या फिर और भी रेस्ट लगा देंगे। उसके बाद क्या करना फ्रेंड, जो भी आपका टाइटल है इस टाइटल को आपको उठाना है और अपने डिस्क्रिप्शन में एज इट इज सीधा ऐसे इस तरीके से ये पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो अब फ्रेंड जो जादू होने वाला ना, वो जादू क्या है आपका फ्रेंड्स, ये जो ऑडियंस होते हैं जो चाइल्ड वाले होते हैं उसको नो करना है, और आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो प्लेलिस्ट बना लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लेना जाके। उसके बाद मोर ऑप्शंस में जाना है, और जो ऐड टैग्स है ना फ्रेंड्स, इसमें कौन से टैग डालने हैं, सबसे ज्यादा क्वेरी दिमाग में रहती है लोगों की, भाई हम टैग कौन से डालें जो वीडियो हमारी वायरल हो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप एक साइट का लिंक दूंगा जहां से आपको जाना है और वहीं से टैग आपको उठा के डालने हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे जाने के बाद जैसे ये साइट को मैं क्लिक करता हूं, साइट पे लिखूंगा इंस्टाग्राम रील्स लिख के जैसे ही सर्च करूंगा फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम के जो ट्रेंडिंग में टॉपिक प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है ना वही आपको उठाना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना, एक एक इसको कॉपी करके, एक एक रील्स का जो ये है टैग जो मैंने कॉपी कर लिया, इस कॉपी किए हुए रील्स को, एक एक रील्स को आपको कॉपी करना जैसे, और जैसे कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसको कॉपी कर लिया तो इसको एक एक टैग आपको लगाना है। जैसा कि मैं आपको अभी एक लगा के दिखाता हूं फ्रेंड्स, ये मेरा टैग है, इसको मैंने इस तरीके से कॉपी किया और इस तरीके से यहां आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स गिने चुने अगर आप चाहोगे तो 5 या 10 लगा लो। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट लगा के एक बार आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हो मैंने टैग लगा लिए, फिर क्या करना आपको, टैगों को लगाने के बाद आपको नीचे ये चेक कर लेना है कि जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है आपको इस पर क्लिक करना है, और जो कमेंट है उसको ऑल कर देना है, और टॉप पे सेलेक्ट करने के बाद आपको दोनों जो टिक है यस करके आपको इसको सेव कर देना है। आप देख पा रहे हैं जैसे फ्रेंड्स थंबनेल कोई अच्छा लगाने की जरूरत नहीं होती रील्स में, आप कोई भी इसी में से एक सोच के आप लगा दोगे और आपको सेव कर देना। फ्रेंड्स सेव करने के बाद अब आपको क्या करना, जैसे आप सेव करेंगे फ्रेंड्स सेव हो गया, फिर आपको यहाँ पे लिस्टेड में डालना है और इसको पब्लिक करके फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स सेव हो जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स बहुत कम समय में वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगी, उस पर व्यूज आने के चांसेस 40 से 50% है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो इतनी ज्यादा जल्दी वायरल होगी ना कि अगर आप नए क्रिएटर के लिए बोल रहा फ्रेंड्स 40 से 50% कम से कम फ्रेंड्स, अगर आप नए क्रिएटर हैं तो आपके एक रील्स पे कुछ नहीं तो 200 से 250-500 तक के व्यूज आपके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने आज वीडियो में बताया, मेरे बताने का मकसद यही था कि आप एक रील्स चैनल स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, फिर आपको उसके बाद क्या करना, जो आपका मेन चैनल है उसको आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पे यूट्यूब पे ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मेरी बातों को मानिए और इस तरीके से करेंगे तो आपका चैनल काफी ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो अगर फ्रेंड्स आज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।